सो आज का फर्स्ट सेंटेंस है, चाय छान लो। चाय एक जैसे कि लिक्विड है, तो आप इसके लिए वर्ब यूज करेंगे स्ट्रेन का। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। और नेक्स्ट सेंटेंस है आटा छान लो। आटा जैसे कि पाउडर है, तो किसी पाउडर के छानने के लिए आप वर्ब का यूज करेंगे सिफ्ट का। जैसे इसका सेंटेंस बनेगा सिफ्ट द फ्लावर, सिफ्ट द फ्लावर मतलब आटा छान लो। मैं आटा गूंथ रही हूँ या मार रही हूँ। आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो। आटा गूंथ दो, नीड द डो, नीड द डो। लोइयां बना लो, मेक द डो बॉल्स, मेक द डो बॉल्स। मैं रोटियां बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपातीस, आई एम रोलिंग आउट द चपातीस। मैं रोटियां सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपातीस, आई एम बेकिंग द चपातीस। रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती, फ्लिप द चपाती। रोटी फूल रही है, द चपाती इज पफिंग अप, द चपाती इज पफिंग अप। गाजर घिस लो या कद्दूकस कर लो, ग्रेट द कैरेट, ग्रेट द कैरेट। आलू छील दो, पील द पटेटो, पील द पटेटो। और यू कैन से पील ऑफ द पटेटो। केला छील दो, पील द बनाना, पील द बनाना। और यू कैन से पील ऑफ द बनाना। रोटी पर थोड़ा मक्खन चुपड़ दो, स्प्रेड सम बटर ऑन द चपाती, स्प्रेड सम बटर ऑन द चपाती। चावल बीन दो, पिक ओवर द राइस, पिक ओवर द राइस। चावल धो लो, रिंस द राइस, रिंस द राइस। चावल में से पानी निकाल दो, या आप ऐसे भी बोलते हो चावल पसार लो, ड्रेन द राइस, ड्रेन द राइस। मैं चावल पका रही हूँ, आई एम कुकिंग द राइस, आई एम कुकिंग द राइस। चावल पक रहा है, द राइस इज कुकिंग, द राइस इज कुकिंग। उबलते हुए आलूओं को मसल दो, मैश द बॉइल्ड पोटैटोस, मैश द बॉइल्ड पोटैटोस। इस पर थोड़ा नमक छिड़क दो या बुरक दो, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट। मक्खन को पिघला लो, मेल्ट द बटर, मेल्ट द बटर। अंडे फेंट लो, विस्क द एग्स, विस्क द एग्स। दही फेंट लो, विस्क द कर्ड, विस्क द कर्ड। नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन। दूध उबाल दो, बॉइल द मिल्क, या फिर आप बोल सकते हो बॉइल अप द मिल्क। दूध फट गया है, द मिल्क है स्कर्डल्ड, द मिल्क है स्कर्डल्ड। दही जमा दो, सेट द कर्ड, सेट द कर्ड। दही मत दो, चर्न द कर्ड, चर्न द कर्ड। दूध उफन कर बह रहा है, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। करी को धनिया पत्ती से सजा दो, गार्निश द करी विथ कोरिएंडर लीव्स, गार्निश द करी विथ कोरिएंडर लीव्स। केक को सजा दो, गार्निश द केक, गार्निश द केक। थोड़ी मूंगफली भून लें, रोस्ट सम पीनट्स, रोस्ट सम पीनट्स। दाल छौंक दो, सीजन द पल्स, सीजन द पल्स। मसाले पीस दो, ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस। चावल 2 घंटे के लिए भिगो दो, सोक द राइस फॉर 2 आवर्स, सोक द राइस फॉर 2 आवर्स। आटे में नमक मिला लो, मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर, मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लावर मतलब आटे में नमक मिला लो। सबसे पहले लहसुन को तल लो, फिर अदरक डालो, फर्स्ट फ्राई द गार्लिक देन ऐड द जिंजर मतलब सबसे पहले लहसुन को तल लो फिर अदरक डालो। अदरक कूट दो, क्रश द जिंजर, क्रश द जिंजर। 2 चीनी चम्मच दूध में घोल लो, डिजोल्व 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन मिल्क, डिजोल्व 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन मिल्क। आंच धीमी कर दो, टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट। और अगला है आंच तेज कर दो, टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। चूल्हा चालू कर दो, टर्न ऑन द गैस स्टोव, टर्न ऑन द गैस स्टोव। चूल्हा बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस स्टोव, टर्न ऑफ द गैस स्टोव। खाना गर्म कर दो, हीट अप द फूड, हीट अप द फूड। खाने को ठंडा हो जाने दो, लेट द फूड कूल डाउन, लेट द फूड कूल डाउन। दूध को चला दो, स्टर द मिल्क, स्टर द मिल्क। ढककर पकाओ, कवर एंड कुक, कवर एंड कुक।
टोस्ट को चाय में डुबो दो। डिप द रस्क इन द टी। डिप द रस्क इन द टी। प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, मतलब छोटा छोटा काट दो। चॉप द अनियन। चॉप द अनियन मतलब प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। रोटी कच्ची है, द चपाती इज अनकुक्ड। द चपाती इज अनकुक्ड। रोटी जली हुई है, द चपाती इज ओवरकुक्ड। द चपाती इज ओवरकुक्ड। और आज का लास्ट सेंटेंस है, गर्मा गर्म परोसिए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे। सर्व पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म परोसिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। और ये आपका क्विज, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और इस वीडियो में आपने सीखी किचन में यूज होने वाले सेंटेंसेस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको अगर सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।